नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का सुपर फास्ट बुलेटिन। एवन तेज में हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरें। इराक में भी श्रीलंका जैसे हालात, धर्मगुरु के राजनीतिक छोड़ने पर हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन में घुसे मुक्तदा अल सद्र के समर्थक, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 20 की मौत। दिल्ली में एलजी को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा आमने सामने, विधानसभा विधायकों ने दिया धरना। आप बोली सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप, तो भाजपा का जवाब, सिसोदिया जैन को बर्खास्त करो। दिल्ली के चर्चित शराब नीति में सीबीआई एक्शन में, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पीएनबी की शाखा पहुंची सीबीआई। हरिद्वार में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष आशा नौटियाल का दौरा, भाजपा कार्यालय पर किया भव्य स्वागत। कहा भाजपा ने हमेशा महिलाओं का किया सम्मान। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल, युवाओं ने अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड के सितारगंज में ट्रक चोरी पर एक्शन, सीसीटीवी के जरिए ट्रक का किया बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में दोस्त ने ही की दूसरे दोस्त की हत्या, शराब के नशे में अलकनंदा नदी में मारा धक्का। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ों पर हो रही बारिश बनी परेशानी का सबब, गर्भवती को रस्सी के सहारे कराई नदी पार। पूरे परिवार ने किया पुलिस का आभार व्यक्त। रुद्रपुर में जहरीली गैस का हुआ रिसाव, कबाड़ के गोदाम में गैस सिलेंडर के रिसाव से सैकड़ों परिवार हुए प्रभावित। आंखों में जलन और छाई बेहोशी, एम्बुलेंस में लेटाकर लोगों को दी ऑक्सीजन। अल्मोड़ा में नंदा देवी मोहल्ले का 1 सितंबर को होगा आयोजन, पुलिस और मंदिर समिति के सदस्यों ने तैयारियों का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे, पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता किया तैनात। चंपावत में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई ग्रामीण क्षेत्रों पर आबादी क्षेत्र से कटा संपर्क। आपदा राहत विभाग के साथ पुलिस ने सभी विभागों के लिए जारी किया अलर्ट। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, परिवहन विभाग में होगी 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती। मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्य कुमार शाही ने की प्रेस वार्ता। एनसीआरबी के आंकड़ों पर लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया, कहा यूपी में अब कानून का राज, मुख्यमंत्री योगी की सख्त छवि के कारण जनता सुरक्षित। लखीमपुर खीरी के मलंगा गांव में एक परिवार के 3 लोग के शव मिलने से सनसनी, पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तो पत्नी और बेटे का शव घर से बरामद। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीलीभीत में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खेत पर मिला किसान का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्ती के रुदौली में हुई ऑनर किलिंग का खुलासा, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 27 अगस्त को गन्ने खेत में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दबंगों का कहर, कब्जे की नियत से गरीब के निर्माण कार्य में डाल रहे बाधा, पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। बहराइच के मंदिरों में कजरी तीज को लेकर उत्साह का माहौल, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, शिव मंदिरों में लगी लंबी लंबी कतार। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, सड़कों से गलियों तक पानी ही पानी। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग। मिशन मारवाड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जोधपुर सर्किट हाउस में की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भी की शिरकत। उदयपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पन्ना धाय उदय सिंह और चंदन की मूर्तियां किया अनावरण, नेता प्रतिपक्ष कटारिया समेत स्थानीय कार्यकर्ता रहे मौजूद। भीलवाड़ा के बनेड़ा में गरमाया मासूम की संदिग्ध मौत का मामला, कस्बे के बाजार फिर से पूरी तरह रहे बंद, आमजन में भारी आक्रोश, बाजार बंद रख जताया विरोध, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। भरतपुर के डीग में रफ्तार का कहर, बोलेरो और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, हादसे की पड़ताल में जुटी पुलिस। 4 सितंबर को महंगाई खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में हजारों लोग जाएंगे दिल्ली। बीकानेर के खाजूवाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में हुआ निर्णय। झालावाड़ के गंगधार में किसान की मौत, हसामदी गांव के जहरीले जीव के काटने से किसान की मौत, खेत पर कीटनाशक छिड़काव करते समय जहरीले जीव ने काटा। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में विशाल भजन संध्या का आयोजन, बाबा रामदेव मंदिर में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, गुरु महिमा व रामदेव जी महाराज के भजनों की दी गई प्रस्तुति।
टोडा भीम के जिनसीगापुरा में चोरों ने चार मकानों को बनाया निशाना। अलमारी में रखे लाखों रुपए कीमती आभूषण और नकदी चुराकर हुए फरार। पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू करी। राजसमंद नगर परिषद सभागार में बैठक और संगोष्ठी का आयोजन। वर्तमान शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश और गुरुकुल पुनर्स्थापना में आचार्यों की भूमिका विषय पर हुई आयोजित संगोष्ठी। जीतमल कक्षारा ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। भीलवाड़ा के सवाईपुर में चोरों का आतंक। दिन दहाड़े ताला तोड़कर स्कूल में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस की कार्रवाई। 31 एंड्रॉइड फोन के साथ दो सातिर चोर गिरफ्तार। रूडी चाधाम में धोख लगाने वाले यात्रियों को बना रहा शिकार। श्रीगंगानगर के चिटा बेचने वाले युवक चढ़े ग्रामीणों के हत्थे। दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। सांगरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। डूंगरपुर के भंडारिया में भूमाफिया पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रास्ते को खुलवाने की मांग। जालौर के जेतु गांव में युवक ने किया सुसाइड। पेड़ पर फांसी से फंदा लाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के पिड़ावा में तेज बारिश से बिगड़े हालात। बारिश के पानी से पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। स्कूली बच्चे और ग्रामीण हो रहे परेशान। श्रीगंगानगर के घरसाना में एडवोकेट विजय सिंह झोरल के सुसाइड प्रकरण ने पकड़ा तूल। नई मंडी घरसाना को रखा गया पूर्णतया बंद। धार्मिक समाज संगठन व व्यापारियों ने दिया बंद को समर्थन। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मासूम मैना तेली की संदिग्ध मौत को लेकर बाजार बंद। पुलिस थाने में के बाहर विरोध प्रदर्शन। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। जयपुर के चोमू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। कांग्रेस नेता रुक्ष्मणी कुमारी रही मुख्य अतिथि। खेल महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह। घड़साना के वकील के मौत के मामले ने पकड़ा तूल। रेनवाल में घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। जयपुर के दुदू में चोरों का आतंक। उरसेवा गांव में बालाजी मंदिर को बनाया निशाना। दान पेटी के ताले तोड़कर लाखों रुपए किए पार। सिरोही के स्वरूपगंज में 4 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर मीटिंग का आयोजन। राज्य मंत्री राज सिंह बाजिया ने की अध्यक्षता। हल्ला बोल रैली की तैयारियों में हुआ विचार विमर्श। सीकर जिला कलेक्टर ने किया गौशालाओं का निरीक्षण। लंपी बीमारी को लेकर गौशाला संचालकों से की वार्ता। वायरस पर जल्द नियंत्रण पाने के दिए निर्देश।